शहर की बहुचर्चित प्राध्यापिका अंकिता जलित कांड प्रकरण में आज प्रत्यक्ष सुनवाई हुई। शहर के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय में आज अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निकम ने युक्तिवाद किया। अब ये मामला अंतिम मोड़ पर आ गया। अब इस मामले के निकाल की उत्सुकता नागरिकों को लगी है। इस मामले में 29 अक्टूबर को सरकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निकम व बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट भूपेंद्र सोनी की उपस्थिति में सुनवाई हुई थी। उस समय अभियोजन पक्ष ने बचाव साक्षीदार की क्रॉस एग्जामिनेशन ली थी। आज इस पर युक्तिवाद शुरू हुआ जो कि कल भी जारी रहेगा और इसके बाद बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट भूपेंद्र सोनी अपना तर्क रखेंगे। आज अंकिता पिसुंडे हा वर्धा जिल्ह्यातील बहुचर्चित हत्याकांडामध्ये आता हा खटला अंतिम सुनावणीकरिता आज होता आणि आज फिर्यादी पक्षातर्फे माननीय निकम साहेब यांनी त्यांचा युक्तिवाद केला। उद्याला पण युक्तिवाद होणार आहे आणि तो फिर्यादी पक्षातर्फे राहणार आणि फिर्यादी पक्षाचा जेव्हा युक्तिवाद संपणार त्यानंतर आम्हाला बचाव पक्षाला आमचा युक्तिवाद कोर्टासमोर मांडण्याची संधी मिळेल। मला वाटते लवकरच एका आठवड्यामध्ये ह्या प्रकरणाचा निकाल लागून जाणार। PCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनूरकर की रिपोर्ट।